नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुशीनगर जनपद के तमकोहिरा सीओ सर्किल क्षेत्र के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बेदूपार गांव में दो पक्ष जो कि आपस में सगे पट्टीदार है, मध्य पूर्व में भूमि संबंधित विवाद था जो न्यायालय में विचाराधीन है। बताते चले कि 28 फरवरी को उपरोक्त विवाद के संबंध में आपस में दोनों पक्ष मारपीट करने लगे। बताते चले कि विवाद में गोली चलने की सूचना पर तरिया सुजान पुलिस मौके पर पहुंची। सनद रह गए मजरूह को पुलिस इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने गोली लगने की पुष्टि नहीं की है। दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना में गोली चलने की जांच की जा रही है। सनद रहे कि अवैध असलहा गोली चलने की सूचना मिल रही है। लोगों का कहना है कि तरिया सुजान पुलिस की लापरवाही से इस तरह की घटना घटी है। अगर पुलिस पहले से सतर्क रहती तो घटना नहीं घटती। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त गांव में 28 फरवरी दिन रविवार को शिवजी दुबे अपने सहयोगियों के साथ बेदूपार एथमाली में गन्ने की बुआई का कार्य करा रहे थे कि दूसरे पक्ष के रमा शंकर दुबे अपने सहयोगियों के साथ मौके पर जाकर चकबंदी न्यायालय में विचार दिन का हवाला देकर रोकने का प्रयास किया। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से लाठी डंडे के साथ गोलियां चल गईं, जिसमें पड़ोस के नागेंद्र दुबे के पैर में गोली लगने से स्थिति नाजुक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।